राजकोट से सुवराव सिंसुला आज अहमदाबाद तक पहुंचा है। राजकोट में हुआ, बड़ौदा में हुआ, भावनगर में हुआ और आज अहमदाबाद में। जो तानाशाही रवैया सरकार ने इख्तियार किया है और उस तानाशाही रवैये के कारण हजारों लोग आज बेरोजगार होने जा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है रोजगार देने की। सरकार जब रोजगार देती नहीं है तो हम जैसे कई पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग स्वरोजगारी करते हैं और अपना संवैधानिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है, जीते हैं। फिर भी सरकार ये जीवन जीने का अधिकार का हमारा जो हनन कर रहा है, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें बेरोजगार बनाने को सरकार तुले है। हम सरकार से विनती करते हैं इस तरह का रवैया ना अपनाए। सिटी डायरेक्ट 2014 जो बना है उसके तहत सभी ठेले खुमचे रेहड़ी पटरी वालों को जगह मुहैया कराए। उसके बाद अगर कोई जो रोड पे एंक्रोचमेंट करता है, दबाण करता है या कुछ गलत करता है, ट्रैफिक में कुछ करता है तो उसको उठा लो। उसमें हमारे हम बिल्कुल भी आपके बीच में नहीं आएंगे। लेकिन जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है, हमें हॉकिंग जोन में देकर हमें वहां पे शिफ्ट नहीं किया जाता है, तब तक ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और इसके सामने हम लड़ेंगे। क्या क्या मांग रखी है? हमने मांग रखी है कि अभी हमें पता चला कि कोई परिपत्र इसका बाहर नहीं पड़ा है, सर्कुलेशन कोई बाहर नहीं पड़ा है। तो बिना सर्कुलेशन के ये एस्टेट विभाग, एंक्रोचमेंट विभाग है, किस तरह से कार्यवाही कर रहे हैं। और अभी हमें वीडियो कुछ मिले हैं जिसमें अंडा और वेज का, नॉनवेज का कहीं नाम नहीं है। सैंडविच जो बंदा बेच रहा है, खमन ढोकला जो बंदा बेच रहा है, चाय की किटली जो बंदा चला रहा है, उनको बंद कर रहे हैं, उनका सामान उठा रहे हैं। तो ये जो मनपा ने जो जारी किए अंडे और नॉनवेज के नाम पे, तो पूरी की पूरी राजनीति कर रहे हैं। इसके नाम पे सभी जो रोजगारी है, जो वेज भी बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, कोई कपड़े बेचते, कोई सामान बेचते, उन सभी का ये आज ठेला खोमचा उठा रहे हैं। हाँ, हम कोर्ट में जा रहे हैं लेकिन आज थोड़ा दिक्कत आएगा। प्रॉब्लम ये है कि शाम को हम ये जो पूरा इनका एंक्रोचमेंट कार्य का जो कार्यवाही होने वाला है वो शाम को होगा, 4 बजे के बाद। तो पूरा हम एविडेंस जमा करेंगे, कहाँ से लारियां उठाते, कौन सी ठेले खोमचे उठाते और क्या करते, और कौन सा अधिकारी है और क्या वजह दे के या कौन सा कानून के अधिकार के तहत ये उठा रहे, वो तो पूरा जानने के बाद सीडी के साथ, ये मीडिया बाहर के साथ, कॉरपोरेशन का जो है उसके साथ हम हाईकोर्ट में कल जाएंगे। सतत 24 कलाक समाचार जो डाउनलोड करो ईटीवी भारत।